हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिया भटनागर। फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आप अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र के कारण सफेद बालों को सफेद होना एक कॉमन बात होती है, एक आम बात होती है, परंतु फ्रेंड्स आज के दौर में हर किसी के बाल सफेद होने लग गए हैं। आज के दौर में फ्रेंड्स कम उम्र में ही सभी के बाल जो सफेद होने लग जाते हैं। किसी न किसी रीजंस होते हैं फ्रेंड्स इसके पीछे, जिसके कारण हमारे बाल सफेद होते हैं। फर्स्ट रीजन ये होता है कि फ्रेंड्स आजकल धूल पोल्यूशन बाहर इतना बढ़ गया है जो हमारे बालों को डैमेज कर देता है, जिससे हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स अच्छे खान पान से भी फ्रेंड्स हमारी बॉडीज को सही तरह से प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है और फ्रेंड्स ये रीजन से भी हमारे बाल जो सफेद होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रही हूँ इससे आप अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काले कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये आपके बालों को बहुत ही फायदा भी देगा, यानी कि आपके बाल इससे काले होंगे, घने भी होंगे और आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी, जिससे आपके बाल देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। और फ्रेंड्स आप अपने बालों को आसानी से लंबा भी कर सकते हैं और सफेद बालों को आसानी से काला भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपका ज्यादा टाइम ना लेते हैं, शुरू करते हैं आज के नुस्खे। इस नुस्खे में फ्रेंड्स हम आज यूज करने वाले हैं आंवला चूर्ण का। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आंवला चूर्ण का पेस्ट लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आंवला चूर्ण डालेंगे। इसमें फ्रेंड्स बहुत से प्रोटीन्स और इसमें विटामिन सी जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक चम्मच जो आंवला चूर्ण ले लिया, अब हम इसमें एक चम्मच जो आंवले चूर्ण का ऐड करेंगे। सेकंड चीज फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे वो है फ्रेंड्स अदरक का रस। अदरक हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो हमारी जड़ों को मजबूती देता है और बालों को काला भी करता है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें अदरक का रस लेना है। आपको फ्रेंड्स लगभग इसमें 2 चम्मच जो है अदरक के रस ऐड करना है। मैंने फ्रेंड्स इसमें अदरक का रस जो 2 चम्मच ऐड कर लिया। अब हम इसमें तीसरी चीज ऐड करेंगे वो है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है, यानी कि एलोवेरा जेल का प्लांट है, तो आप उससे भी एलोवेरा जेल निकाल कर इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी ब्रांड का एलोवेरा जेल जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एलोवेरा जेल आपको 1 चम्मच लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स एलोवेरा जेल हमारे बालों को शाइन देगा और हमारे बालों को बहुत ही चमकदार बनाने के साथ साथ हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ भी करेगा। तो फ्रेंड्स हमने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल जो है ऐड कर लिया है। अब हम इसमें चौथी चीज ऐड करेंगे वो है फ्रेंड्स नींबू। नींबू फ्रेंड्स हमारे बालों को काला करने में बहुत ही फायदेमंद होता है और फ्रेंड्स हमारे बालों में रूसी हो जाती है। इस कारण भी फ्रेंड्स हमारे बाल जो कमजोर होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और हमारे बाल साथ साथ कई बार जो इसके कारण सफेद भी होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये उन समस्याओं को दूर करेगा, इसलिए फ्रेंड्स हमें इसमें नींबू का रस ऐड करना है। आपको फ्रेंड्स इसमें आधा नींबू जो है ऐड करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें आधा जो नींबू का रस इसमें ऐड कर लिया है। अब आपको फ्रेंड्स इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना होगा। फ्रेंड्स आपको इस पेस्ट को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, अगर आपको पेस्ट पतला हो जाएगा तो वो फ्रेंड्स हमारे बालों में से बाहर टपकने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक जो है गाढ़ा पेस्ट तैयार किया है। आपको फ्रेंड्स इसको अपने बालों के जोड़ों में पहले इसकी 10 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पूरे बालों में इसके लगाकर छोड़ दीजिएगा। आप फ्रेंड्स उसके बालों में अच्छी तरह से जब लग जाए तो आप अपने बालों को बांध लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स ये पेस्ट आपके बालों में ही रहे। फ्रेंड्स 1 घंटे के लिए या फिर आप चाहे तो आधे घंटे के लिए अपने बालों में से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने बालों को हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। आप फ्रेंड्स इस नुस्खे को वीक में 2 बार यूज कीजिए और एक ही वीक में आप देखेंगे कि आपके बाल जो जड़ से काले हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के जरिए कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।